वो सामने क्या दिख रहा है यार मेरे को? अंग्रेजों की आत्मा जो है दिखती थी हम लोग को, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी जो है सुनसुराहट की आवाज सुनाई दी थी हम लोग को जो है देख करके गए हैं। और आगे से जो है गाड़ी फिलहाल जो है घूम रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी रोहन, यू आर वॉचिंग माई चैनल आईफोन वाला लड़का 360। और आज जो है हम लोग जो आए हुए हैं गंगा बैराज। और गंगा बैराज में वैसे तो फिलहाल इस टाइम हो रहा है, रुको टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड को, टाइम अभी कितना हो रहा है फिलहाल, टाइम जो हो रहा है 12:34, जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल अगर दिख रहा होगा तो हम लोग जो हैं गंगा बैराज में इस समय जो है रुके हुए हैं। रीज़न क्या है हम लोग का गंगा बैराज में रुकने का, कि सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है गंगा बैराज का, क्योंकि लोग कहते हैं कानपुर के गंगा बैराज में जो है रात के 2 बजे के बाद जो है थोड़ी सी आवाज़ आती है, थोड़ा सा डरने डराने की। तो हम भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। और 12:34, 12:35 तो फिलहाल जो है हो ही चुका है। क्यों भाई, क्या कहते हो तुम? मुझे लगता है शायद कुछ देखने को मिल जाए, कुछ फील हो जाए, क्योंकि आप अगर पीछे देख पा रहे हैं जैसे अटल घाट की जो जगह है, यहाँ पे लोग पहले सुसाइड करते थे। एंड अभी हम थोड़ी देर पहले एक अंकल यहाँ से आइसक्रीम बेच रहे थे, उन्होंने बताया था मुश्किल से तीन चार दिन पहले एक बच्चे की यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये डेथ पॉइंट भी कह सकते हैं कानपुर का, तो देखते हैं शायद कुछ ना कुछ तो कुछ फील होगा या फिर दिखेगा हम लोगों को। तो अगर जैसे भी अगर कुछ भी होता है या इस चीज़ के बारे में अगर ये चीज़ सच है, तो हम लोग जो है फिलहाल जो है रात भर यहाँ पे रुकेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ऐसा जो है होता है कि भी नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियो जो है आपको यानी पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एम रखते हैं लाइक का, 10 लाइक का जो एम रखते हैं। और बाकी जो है सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा होगा उसको आप चाहे प्रेस करो, चाहे हथौड़ा फेंक के मारो, चाहे जिससे भी मारो, बस वो प्रेस करके जो है बेल आइकन जो है दबा देना। बाकी आप जो है ये वाली जो है वीडियो जो है पूरी देखो, और जैसा भी हम लोग को जो भी होता है वो सब आपको दिखाते हैं, जुड़े रहेगा इस ब्लॉग में। तो गाइज अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया है एकदम सन्नाटा, और रात के बज रहे होंगे, रात के फिलहाल बज रहे हैं 3:01, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे इसमें कि 3:01 हो रहा है और 3:02 हो रहा है फिलहाल। और अभी जो है हम लोग को यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी जो है सुनसुराहट की आवाज़ सुनाई दी थी, तो इसलिए जो है हम लोग जो है यहाँ से जो है अब निकल रहे, क्योंकि यार ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। वैसे भूत ऊत नाम की तो कोई चीज़ अभी तो फिलहाल दिखी नहीं, लेकिन हाँ हल्की सी जो है सुरसुराहट जो है कान में हो रही है हम लोग के, और जैसे मतलब ये हो रहा है कि आसपास अपने को कुछ लग रहा है। फिलहाल रात का बज रहा है 3, तो लोग कहते भी हैं यहाँ पे जो है भूत ऊत रहते हैं, तो हमें तो ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है। क्योंकि रीज़न क्या उसका, क्योंकि हम लोग के हाथ के रोए जो है खुद काँप रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग जो है अब जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे देखते हैं। हम भी एक जगह हम लोग को और जाना है जहाँ पे जो है ऐसा सुनने में आया है कि भूत ऊत रहते हैं, तो वो जगह जहाँ है, वो जगह कहाँ है, वो जगह हम लोग आपको जाकर बाद में बताएंगे वो जगह कहाँ पे। तो बड़े नहीं है इस ब्लॉग में फ़िलहाल, तो बाकी जो है देखते हैं आगे क्या आपको दिखाता है। मेरे से बोल रहा है चिराग कि हम लोग जा रहे हैं ग्रेवयार्ड, क्योंकि ग्रेवयार्ड के रोड्स में जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों की आत्मा जो है दिखती थी। रीज़न तो नहीं पता, बट लेकिन अब जा करके पता चलेगा ये चीज़ सच है कि नहीं है। तो फिलहाल अभी जो टाइम भी फ़िलहाल 3 बज रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो भूत ऊत का जो होता है वो सब साथ में ही हो जाते हैं, क्योंकि भूत ऊत जो इस समय ज़्यादा घूमते हैं रात में। और अभी जो हम लोग फिलहाल ग्रेवयार्ड जा रहे हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पर जो है भूत अंग्रेज दिखता है कि नहीं दिखता है, ये सब वहाँ जाके पता चलेगा। तो अभी जो है चिराग ने बोला है कि पहले हम लोग चलते हैं लाल इमली, क्योंकि लाल इमली में भी ऐसा बताया जा रहा था कि वहाँ पे भी जो है फिलहाल भूत ऊत दिखते हैं रोड में। और अभी जो हम लोग लाल इमली जा रहे हैं उसका रीज़न भी हम आपको बताते हैं। लाल इमली जो है पहले जो है अपने कानपुर में जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी और प्रोडक्शन भी होता था, तो धीरे धीरे उसके बंद हो जाने से जो है लाल इमली के जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों ने जो है सुसाइड करना चालू कर दिया था। तो उनकी आत्मा जो है फ़िलहाल जो है घूमती है लाल इमली में। तो अभी जो है हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं देखने के लिए वहाँ पे भूत दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। अभी जो है हम लोग जो है जा रहे हैं लाल इमली की ओर। बोला जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन पहले होता था, जो उसके बंद हो जाने से, तो वहाँ के जो वर्कर्स ने जो साइड कर लिया था उनकी आत्मा अभी भी वहाँ घूमती है। तो अभी जो हम लोग फिलहाल जो है जा रहे हैं वहाँ पे, और बाकी जो आपको जो है दिखाते हैं वहाँ पर है ग्रेवयार्ड जो है फिलहाल जो है पहुँचने वाले हैं और जा रहे हैं, देख रहे हैं यार डर ना हो। वहाँ पर भी बड़ा डर लग रहा है कि अंग्रेज़ों का भूत देखने को मिलता है। तो अभी जो है फिलहाल जो है हम लोग को थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन गंगा बैराज जब हम लोग थे तो हल्की सी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, बट हम लोग को तो ऐसा नहीं लगता कि वो चीज़ थकावट ही थी। लेकिन जा रहे देखते हैं ग्रेवयार्ड की ओर और आपको भी दिखाते हैं कि आप पता वहाँ पर छत में भूत रहता है कि नहीं रहता है। तो गाइस यहाँ से जो है ग्रेवयार्ड जो है स्टार्ट है, और एरिया तो फिलहाल आप देख सकते हो। वो सामने क्या दिख रहा है यार मेरे को?
अरे कोई बंदा होगा। हाँ हाँ कोई बंदा ही होगा फिलहाल तो। हाँ तो अभी जो है ये रहा ग्रेवयार्ड। हाँ बंदा ही है, बंदा ही है, भूत नहीं है, बंदा ही है। तो ग्रेवयार्ड के बाहर सब लोग निकल रहे हैं, डर बहुत लग रहा है। रात के 4:30 हो रहा होगा ना, 3:30 हो रहा क्या? हाँ तो चिराग ने जो है ग्रेवयार्ड के बाहर जो है गाड़ी रुकवा दी है और कह रहा है कि अंदर पूरा अंधेरा है, कैसे कुछ दिखेगा भी। हाँ अंदर तो जैसे कि देख सकते हो ग्रेवयार्ड के बाहर जो अंदर पूरा जो अंधेरा है, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। दिख रहा है यार, सुन रहा है कैमरे में भी इतना। उधर उधर खड़ी पार्क करते हैं ऑपोजिट साइड पे। हाँ उधर लाइट तो अभी जो है हम लोग जो है ग्रेवयार्ड के जस्ट सामने देख सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी कर दी है और ग्रेवयार्ड जस्ट सामने हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ है, वो जो बंदा भी जा रहा था हाँ उसको देख करके बहुत डर लगा था यार, कसम से बहुत ज़्यादा डर लगा था। हाँ, लेकिन इसके बाद हम लोग उसके पास भी आए, वो हाँ, मेरे को देख रहा। हाँ हम लोग उसको देख रहे हैं। हाँ ऐसा हो रहा था। हाँ इसके बाद फिर पीछे मुड़ के जब मैंने देखा हाँ तो अपना आगे जाए मेरे नॉर्मल बंदा। हाँ नॉर्मल बंदा है, पहले हम आ रहा है अचानक से। तो जैसे देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ से जो है आ जा रहे हैं, लोग जाने लग गए हैं वैसे। हाँ सुबह का टाइम हो रहा है फिलहाल ग्रेवयार्ड में, उलझन सी तो हो रही है। हाँ उलझन हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, फुल्का हो रहा है या फिर हम लोग खुद जानबूझ के ऐसा इतना सोच रहे हैं। हाँ इस वजह से हो रहा हो शायद, इस वजह से हो रहा हूँ, सोचने की वजह से हो रहा हो शायद। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। हाँ गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती नहीं है, गाड़ियाँ बहुत तेजी से निकल जाती हैं, यहाँ पे रुकती नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब घर नहीं और मंदिर हाँ रखे गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड है हाँ, बट थोड़ा सा फील हो रहा है हम लोगों को ये चीज़, मतलब हल्का सा जो है मन से जो है फील हो रहा है। इतनी देर हम लोग को जो है हो चुकी है, 5-10 मिनट जो है हम लोग को यहाँ पे फिलहाल हो चुका है और टाइम हो चुका है 3:34। तो 3:37 हो गया है और अभी हम लोग को थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है फील हो रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि रीज़न क्या है यार कुछ भी। हाँ उलझन सी हो रही है भाई, उलझन सी हो रही है, उलझन हल्की मतलब ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे शायद हम लोग ऐसा सोच। हाँ इस वजह से भी हो सकता है चल रही है। हाँ बट लिटरली कुछ नेगेटिव वाइब्स हमको हल्का हल्का फील हो रहा है, फील हो रहा है ये बात तो है। देखने को मिला नहीं कुछ खास, तो जब तक कुछ देखने को मिला नहीं तो हम लोग क्या ही बोलेंगे। हाँ जो आप लोग भी देख रहे हो बस ऐसे ही है, टाइम भी आपको दिखा दिया है। हाँ लोग तो जैसा कि आप लोग तो देख ही सकते हैं कि हल्की फुल्की तो यार दिल से हो रही है, मेरा हार्ट बीट जो है फिलहाल थोड़ा सा तेज हो चुका है क्योंकि क्या चीज़ नहीं आ सकती कि हमारी हार्ट बीट। हाँ वही चीज़ है, वही चीज़ मैंने भी बोली है कि कैमरे में जो है नहीं आ सकती ये चीज़ होती है हमारे पास। हाँ उसमें दिखा देते हैं लिटरली हार्ट बीट तेज, हार्ट बीट तेज तो है। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब हम लोग जाएंगे लाल इमली, लाल इमली पे। तो चलते चलते हम लोग उसकी कहानी। हाँ तो चलते हैं लाल इमली और आपको जो है इसकी स्टोरी बताते हैं लाल इमली की। अभी जो हम लोग जो है ग्रेवयार्ड से जो फिलहाल जो है निकल चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने रहा पूरा ग्रेवयार्ड और अब जा रहे हैं हम लोग। आग तो यार आगे जा रहा है और मेरी हालत थोड़ी सी यार टाइट हो रही है क्योंकि ग्रेवयार्ड में जो है यार हल्का सा जो है दिल से जो है फीलिंग टाइट थी क्योंकि हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो रही थी और चिराग भी कह रहा था यार हार्ट बीट तेज़ हो रही है। तो हम लोग जो है अब जो वहाँ से निकल गए क्योंकि रिस्क नहीं उठा सकते 1% का भी, हल्का सा भी फील हुआ तो हम लोग निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जा रहे हैं लाल इमली, अगर वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है वहाँ पे भी रुकेंगे, आपको बताएंगे कि अगर हल्का सा भी कुछ होता है तो वहाँ से भी निकल जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं कहीं पे भी। कई जो हमसे कह रहा है कि वहाँ पे जो आवाज़ें आती हैं ग्रेवयार्ड से ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ पे, मतलब हॉन्टेड प्लेस की। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं कि ये चीज़ सच में है कि फिलहाल जो नहीं है। तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं लाल इमली रखा हुआ है, किसी एंगल से लग रहा है यहाँ पे कुछ डरावना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, प्यारा लग रहा बल्कि। लेकिन ये है थोड़ा सा तो डर है भाई। हाँ ये है, अभी तो फिलहाल कुछ फील नहीं हो रहा। हाँ थोड़ा फील नहीं हो रहा बट ये ऑफिसर शायद हाँ लगा हुआ है। अंकल जी आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों को। अंकल जी मतलब जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो पुराने वर्कर्स थे जो काम करते थे उन्होंने सुसाइड किया था यहाँ पे, शायद आपको ही पता होगा ना, तो ये बात सच्ची है? मतलब थोड़ी डरावनी जगह कुछ ऐसा वैसा है यहाँ पर? नहीं
नहीं आई डरावनी को जगह नहीं है अपने आप आपत्ति की वजह से तनख्वाह नहीं मिली इस वजह से सब सुसाइड की ने ये रीजन था तनख्वाह नहीं मिली 40 महीने तो भूखा पेमेंट नहीं मिला 40 महीने मतलब ये बात सच है कि इनको तनख्वाह नहीं मिली थी बहुत लोगों तीन लोगों ने सुसाइड किया था बट यहां मेरे को डरने वाले डरना खुद प्रयास इनको सुनाई लागत क्योंकि मतलब YouTube में काफी लोगों ने बना रखा है YouTube पे आवाजें आती हैं ऐसा वैसा नहीं नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है ये है कुछ नहीं जो भी मरे सब पेट भोखन मरे अभी आप गेट पे जाइए तो बैनर लगा हुआ है बैनर लगा हुआ है हाँ धरना प्रदर्शन चालू है रोज चल रहा है अभी भी कल से चालू हो गया बैनर लगा हुआ है तो अंकल जी लोग बता रहे थे यहाँ पे जो है रात में आदमी सोता है मगर हम हाँ हैं बिल्कुल सही बात बहुत मेहनत होती है आप लोग की 40 महीना हो गया 39 महीना अरे है ये पार्ट देखकर थोड़ा हॉन्टेड हाँ ये पार्ट देखकर के थोड़ा सा हॉन्टेड लग रहा है थोड़ा हॉन्टेड से लग रहा है बट सर लोगों ने हमारा कुछ बता दिया हमें भी ऐसा यहाँ पर कुछ फील हो नहीं रहा हाँ लेकिन ग्रेवयार्ड में हुआ तो ये मैं हाँ ग्रेवयार्ड है तो यार हल्की फुल्की फील हुआ हाँ फील हुआ था हाँ तो गाइस जैसे कि हम लोग बताएं हम लोग जो है आए हुए थे 10 बजे से 3 बजे तक हम लोग जो है गंगा बैराज में रहे देन उसके बाद जो हम लोग गए ग्रेवयार्ड में थोड़ी सी फीलिंग टाइट हुई थी बट हाँ ना हम लोगों को गंगा बैराज में भूत दिखा ना हम लोगों को ना ग्रेवयार्ड में भूत दिखा और लाल इमली यार इतना प्यारा सजा रखा था इतना अच्छा लग रहा था देखने में लाल इमली यार भाई क्या बताएं आपको तो हम लोग को तो फिलहाल जो कहीं पर भूत वूत तो कहीं दिखे नहीं है और अभी जो है फिलहाल जा रहे हैं हम लोग अब घर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो पे इसी के साथ ये वाला ब्लॉग ख़त्म करते हैं और अपने भाई का चैनल आईफोन लड़का 333 सब्सक्राइब कर देना तो चलते हैं गाइस मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में।